फल को खाने के बाद गोही जो रहती है, उसकी गुठली जो रहती है, उसको फेंके, उसको इकट्ठा करते हैं, सीड बॉल्स तैयार करते हैं, सीड बॉल्स तैयार करके फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। अभी आप लोगों को मुख्यमंत्री महोदय ने द्वारा सम्मानित किया गया है। अभी तक मेरे ख्याल से करीब 20-25 हजार पौधे ये टीम की है। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज सब तक आ रही होगी, तो निश्चित रूप से अपन लोग पिछले साल कोरोना काल में हमारे थाने वालों ने देखा है, पूरे भोपाल ने देखा है। इधर आ जाओ भाई, आ जाओ, और तुम लोग भी अंदर आ जाओ यार, यहाँ कोई हालात नहीं है। ये ऐसे संयोग कभी कभी मिलते हैं और बड़े तकदीर से मिलते हैं। आपको हरपा देने के लिए ये टीम आई हुई है, आपको ज्ञान देगी, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें देगी, आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज को ले जाके एक गड्ढे खोद के गाड़ देना है और उस गड्ढे में पानी डालना है। आप लोग हमारे खाने वाले देखते हैं, ये जो पेड़ मैंने लगाया है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं कभी भी थ्योरेटिकल बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। पौधा मैं लगाऊं और उम्मीद करूं हमसे नीचे वाले उसमें पानी डालें, कोई नहीं डाले। सर मैं क्या करता हूँ, एक पौधा खुद लगाता हूँ, बाकी टीम से लगवाता हूँ। आदमी को जैसे अपने बच्चों से लगाव होता है, वैसा ही पौधों से। बच्चा मेरा हो, मैं उम्मीद करूँ दूसरा उसकी परवरिश करे, देखभाल करे, कोई नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर भी एक पौधा लगाया है और उसको पूर्ण निष्ठा से उसको वो, और ये भी मुझे मालूम है कि इसके फल मुझे नहीं खाना है, फल कोई दूसरा खाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो दे सकते हैं वो हम प्रयास करते हैं, फिर बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। पिछले साल हम लोग पूरे कोरोना काल में कोरोना के साथ दो चार हुए हैं, कोरोना को जितने करीब से अशोका गार्डन एरिया के लोगों ने देखा है, आप लोगों ने ऑक्सीजन की कीमत को पिछले साल समझा है, एक एक सिलेंडर 2-2 हजार रुपए में इसी इंडस्ट्रियल एरिया से दिलवाया है, इसी इंडस्ट्रियल एरिया से 4 फैक्ट्रीज थी, ऐसी लाइनें लगती थी लंबी लंबी, जिसने मौत को करीब से देखा है उसने ऑक्सीजन के कीमत को पहचाना है। अभी तक आप लोग ऑक्सीजन के महत्ता को हम लोगों ने किसी ने समझा ही नहीं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी, फ्री में मिल रही। जब 2-2 हजार रुपए का एक इतना बड़ा सिलेंडर जब खरीदा है, तब समझ में आया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। और ये जो पेड़ है ये ऑक्सीजन के जनक है, ये ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हम अपने स्तर पे पर्यावरण को बिगाड़ने में जो कुछ कर सकते हैं सब कर रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग हम कर रहे हैं, सारे डीजल पेट्रोल के वाहन जो हैं ये सारी चीजें ऑक्सीजन को खत्म करने वाली है। हम वर्ल्ड लेवल पे क्या जाएं, हम तो अपने आसपास की बातें करें। ऑक्सीजन का हमने जितने करीब से देखा है उसका महत्व को, उसको हम अब महसूस करें, पहचाने, और हम अपने स्तर पे आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए जो दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें। आप जो आम है ये आप कहीं पे भी इनको देख सकते हैं, भोपाल की जानी मानी शख्सियत है, सिर्फ ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सलाम करता हूँ उनको।
मतलब कोई जरूरत नहीं है इन्हें कि ये सब करें, लेकिन ये डेडिकेशन तो ये धीरे धीरे हमें सीखने की आवश्यकता है। दूसरा, हम कोरोना को लेके लगातार हम लापरवाह होते जा रहे हैं। आपने दो डोज लगवा लिए, ठीक है, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ठीक है, लेकिन आपको अमरत्व प्राप्त नहीं हुआ है। आपके अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है, तो यदि कोई कर्रा आपसे आके चिपक जाएगा तो वो आपको लेके डूब जाएगा। समझ गए? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर बहुत आवश्यक है। ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये पिछले वेरिएंट के मुकाबले दुगना तेजी से फैलता है। जो फर्स्ट वाला जो वेरिएंट था उसके मुकाबले दूसरा वेरिएंट ज़्यादा घातक था, और ये तीसरा वेरिएंट और भी ज़्यादा डेवलप। आपको लग रहा है कि हमारी इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से डेवलप हुई है, ये नया वेरिएंट आ गया। और मैं ये देख रहा हूँ, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना मास्क लगाने में कोई इंटरेस्टेड है, हाथ में हाथ हैं, गले ऐसे चिपक चिपक के मिल गए जैसे कुछ कहा नहीं जाए। जिसके घर में मौतें हुई हैं पिछले साल, उनके दिल से पूछिए। आप हम खुशनसीब हैं जो जिंदा 2022 तक चले आए। चट पट में काम हुआ है पिछले साल, पांच पांच दिन में आदमी मरते हैं। और मेरे को नहीं लगता इतने लोग जो बैठे हैं, हर एक के परिचितों में से कोई ना कोई खत्म हुआ, परिवारों में, परिचितों में, फिर भी हम लापरवाह हो रहे हैं। जिनके घर के गए हैं उनके दिल से पूछिए कि कोरोना क्या चीज है। हम आज जिंदा हैं इसलिए हम उसके प्रति लापरवाह हैं। और ये वेरिएंट आने वाले 15 फरवरी तक बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट का कहना यह है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ही पीक पे। और एक चीज बता दूं, कल की तारीख में करीब 464 या 465 लोग भोपाल में पॉजिटिव हुए। ये पॉजिटिव वो लोग हैं जिनने टेस्ट कराए, उसके कम से कम 100 गुना ज्यादा लोग टेस्ट बिना कराए संक्रमण फैलाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, कोरोना एक ऐसा वायरस है कि शुरू में 5 दिन तो आदमी में ही सिम्टम दिखते, पहले फर्स्ट पर्सन में जो पहला संक्रमित व्यक्ति है उसमें 5 दिन तक सिम्टम नहीं दिखेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, पिछले 1.5-2 साल से जब से कोरोना है तब से मैं सिर्फ कोरोना में ही काम किया हूँ। मेरे घर में 2-2 पेशेंट हुए, ऊपर वाले की दया रही कि वो ठीक हो गए और घर पे ही ठीक हो गए। ठीक है, तो शुरू में 5 दिन वो पहले आदमी के अंदर ही सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, 6वें दिन से उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू होंगे, सर्दी हुई, खांसी हुआ, जुकाम हुआ। 3 दिन तक आप घरेलू इलाज करोगे, सीजनल है। 8 दिन हो गए, 9वें दिन से आपकी स्थिति बिगड़ना शुरू होगी, तब आप जाओगे RT-PCR टेस्ट कराओगे, एंटीजन टेस्ट कराओगे। 10वें दिन आपका जाके रिपोर्ट आएगी, तब तक आप 500 लोगों से मिल चुके होंगे 10 दिन कम से कम। वो 500 लोगों को संक्रमित कर चुके हो, वो 500 लोग, उनके अंदर भी 5 दिन तक कोई सिम्टम नहीं आएगा, वो भी 10 दिन तक फैलाते रहेंगे। कुल मिला के जिस दिन, आज 464 थे, कल
आज आप देखना, आज 1,000 रुपये, कल 2,000 हो जाएंगे, क्योंकि वो तो डबल गति से फैल रहा है। लापरवाही आता है ये मान के चलिए, और कभी भी दुश्मन को हल्की में मत। अब जब अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी भी दुश्मन को, कोई हमारी दुश्मन को, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे अमेजॉन वेरियंट को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर। प्रकृति का कुदरत की फिलोसॉफी एक ही है, फंडामेंटल रूल एक ही है, उसको यदि हम फॉलो करेंगे, कभी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, कभी किसी को देख के, किसी चीज़ को देख के लापरवाह मत हो। मैं नेता नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मैंने अपनी जो अंदर के जज्बात थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसमें यदि कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज जो अवनी वेलफेयर सोसाइटी है इनके द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और ये मेन जागरूकता के लिए है। वृक्षारोपण तो ये रोज करते हैं, सामाजिक जागरूकता के लिए है, और आप सभी को इसलिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया है कि यदि हम कुछ इनके इस सत्कार में थोड़ा सा भी यदि सहयोग दे सकेंगे तो कुदरत के लिए, हमारे प्रकृति के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी देन हो। थैंक यू। तो हम
जो चाहे कोरोना काल में हमें मतलब बस हैवियन बहुत अच्छे से हमें बता दिया है ऑलरेडी आदमी अपने सारी चीज़ें बता दी है। तो ये पर्यावरण है जो हम लोग का भी अस्पताल बात करूँगा और ये हमारा अभियान है इससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और हमारी कोशिश होती है कि मतलब सप्ताह में एक बार हम लोग जो है मच्छर होकर के समय दें। मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जैसे जो कार्य से समय निकालें और इस वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाएं। अजीत तिवारी जी से निवेदन करूँगा मीडिया प्रभारी हैं और मैं ये है कि सारे लोग मिलकर वृक्ष लगाने का संकल्प लें बाकी लोग जो भी बोलना चाहूँगा धरती को उर्दू में बोलते हैं मादर वतन हिंदू लोग बोलते हैं माता यदि धरती हमारी मादर वतन माता है तो इसको हमको साफ करना क्यों नहीं आता धरती माता आपको अन्न जल हरियाली हवा देकर अर्पण कर रही है उपकार और हम कचरे गंदगी से करें उसका झूला क्या यही हमारे जो तहसील को संस्कार मैंने विदेश देखा नहीं है पेपर हम पढ़ा ठीक रहेगा विदेश में बहुत सफाई रखते हैं ऐसा क्यों धरती की पूजा हमारे यहाँ होती है धरती को माँ हम मानते हैं नदियों को माँ हम मानते हैं सफाई हो रख रहा है सोचने वाली बात है फिर मुझे हिंदुस्तान देखता है पंडित जी से निवेदन करूँगा कि धन्यवाद और पूरे विभाग को प्रोत्साहित करके और उनके कर्तव्य जो वो कर्तव्य कर रहे हैं उसके लिए हम सब बहुत दिल से अनुग्रहित चल रहा है बंद हो गया 22:20 बंद हो गया अपने उद्घोषण के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार पर्यावरण हम लोग क्या है रास्ते में बहुत सीट गिरते रहते हैं हम लोग क्या जब जाते हैं हम
लोग कहते हैं यार ये कपड़े पहन के ये लोग करते क्या, यही सीट उठाते हैं। आपके सामने मुझे सात ये मिल गया, इसमें इसका सक्सेस रेट है करीब 40-50% है, इसमें से कम तीन पेड़ निकलेगा इसको, ये उसी से निकला है वहाँ पर, आपको दिख रहा है ना बदाम का, ऐसे ही सीट से निकला थोड़ा सा ऐसे नीचे नीचे देखते हैं बहुत मिलता है। सभी को आमंत्रित करेंगे कि ये वृक्षारोपण जी है और ये सीट वॉल्स है सभी के लिए। ये वो वाला लगा देना अपन उठा के 5 बजे बंद कर।